दोस्तों आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ये मैं अपने क्लिनिक से बाहर जा रहा हूँ, ये जो है ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पर मेरा क्लिनिक है। आज सुबह 4 बजे इस जगह पे, ये 4th फ्लोर से, यहाँ से एक इंसान ने कूद कर आत्महत्या कर ली। ये देखिए, थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट हो सकता है, सो यहाँ पे लोगों को पूछने के बाद मुझे पता चला कि अभी इनकी नौकरी चली गई थी, काफ़ी टाइम से वो डिप्रेशन में थे। ये जानने के बाद एक ख्याल मेरे माइंड में नॉन स्टॉप आ रहा है कि क्या उन्होंने कुछ हेल्प ली होती, क्या उन्होंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया होता, क्या उनको उतना सपोर्ट शायद मिला होता, या फिर दवाइयों के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, वॉट एवर, तो क्या वो आज ज़िंदा होती। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये चीज़ देखी जाती है कि डिप्रेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब लिया जाता है कि भाई कुछ नहीं होता, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चिल रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। लेकिन ये सुसाइडल थॉट्स आना, सुसाइडल इम्पल्स आना, अपनी जान देने का मन करना, ये कोई ऐसे ही नहीं करता, कोई जानबूझ के नहीं करता, ये एक बीमारी का लक्षण है। इट्स अ सिम्टम जिसको ठीक किया जा सकता है, जैसे दूसरी बीमारियाँ ठीक की जाती हैं, वैसे ही डिप्रेशन भी ठीक किया जा सकता है। मैं अपने हर एक वीडियो के एंड में बार बार बोलता हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। आप शायद आज समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कहता हूँ, मेंटल हेल्थ क्यों इतनी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी जान बच सकती है ना। अपने दिमागी जो कंडीशन है उसका ख्याल रखिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। कभी भी आप लो फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, एंशियस फील करें, या कुछ भी किसी भी तरह की दिमागी बीमारी हो, तो तुरंत अपने साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।